पर मिस्टर स्टेला मार्केटिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब तक मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। ये देखो, सब सामान बराबर है। टारगेट पूरा करो वरना नौकरी गई समझो। सर कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है स्टेला, तुम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो? तुम जॉब में मसाज ले रहे हो, काम में मन नहीं लगता तो रिजिग्नेशन दो और यहाँ से चले जाओ। सर मेरे को तो डर लग रहा है कि जो कुछ मुझे आता है कहीं वो भी भूल न जाऊं। सब लोग आपको गुरु घंटाल मानते हैं। सर मैं आपसे सीख कर आपसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। सर मैं सीईओ बनना चाहता हूँ। उसके लिए ना मुझ पे और ना किसी और पर डिपेंड रहो, खुद पर भरोसा रखो। तरक्की का क्या फॉर्मूला है? स्मार्ट वर्क करना सीखो। हमेशा क्लाइंट के सामने साहब ले लो की रट लगाना हार्ड वर्क है। क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में समझाना और ये बताना कि इससे आपका फायदा होगा स्मार्ट वर्क है। मार्केटिंग में सेल से ज्यादा कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना इम्पोर्टेंट है। सर मैं आधी बात समझ रहा हूँ पर आधी बात समझ के बाहर है। मैं समझाता हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाओ, क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे सर, बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट ही सुपरमार्केटिंग है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब भी आप सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है, जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी। वहाँ देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है। एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं पता है? ताकि हाथ में न पकड़े बास्केट में रखे। अगर कोई सिर्फ एक चीज खरीदने के इरादे से आया हो तो खाली बास्केट से उसे शर्म आएगी और वो और चीजें खरीदेगा। अच्छा तुम्हें पता है नीचे की तरफ बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मफिन्स ये सारी चीजें क्यों रखी जाती हैं? ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाएं। ये लो बेटा। जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, वो सब अंदर की तरफ रखा होता है, लेकिन कस्टमर के यहाँ से वहां तक पहुँचने के पहले उसका मन ललचाएगा और वो गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेगा। एक और गौर करने वाली बात, तुम्हें विंडो दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तुम्हें घड़ी नजर आ रही है? नहीं ना, ताकि कस्टमर को कीमती वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो। इतना ही नहीं, हर सुपरमार्केट में एंट्री एक तरफ से होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से, ताकि जाते जाते कस्टमर फालतू चीजों को भी खरीद ले। एक और बात है, कुछ ललचाने वाली चीजें काउंटर के पास भी रखी होंगी ताकि बच्चे जिद करें और उनके माँ बाप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। वहां देखो एक टीवी भी लगा है, उस पर हमारे कॉम्पिटिटर न्यू फेडोरा के एड्स चल रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आ रहे हैं, ये सब कस्टमर को उकसाने के लिए। हमारे ब्रांड मैनेजर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मार्केटिंग एक पजल है। मार्केटिंग शतरंज की चाल की तरह? अभी तो सिर्फ 10% बताया। मार्केटिंग इज एवरीवेयर, हमारे जीवन में भी, जन्म से लेकर मरने तक एक एक बात में, यहाँ तक कि बच्चे का खाना, जूते, कपड़े, स्कूल से लेकर उसकी शादी तक, हर कदम पे मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग। तो अब से तुम हर कदम पे मार्केटिंग करो। सर मैं मार्केटिंग की दुनिया को हिला के रख दूंगा। मेरे को